पहुंचा हूं मेन टावर पर अल रहमान बिरयानी वाले के पास। तो देखें इनकी एक ब्रांच ये है और एक ब्रांच ये है और एक ही सामने आप अगर देख रहे हैं कैमरे में तो ये इनका फैमिली रूम है, ये तीन इनकी ऑफिशियल ब्रांच है। तो अब टाइम बहुत शॉर्ट था, अब मैं यहाँ से बिरयानी परचेस करूँगा और फटाफट जो है अपने पिकनिक पर जाऊँगा। वेलकम बैक गाइस टू माय चैनल। तो आज जैसे कि जश्न आज़ादी का दिन है और अचानक से मेरे फैमिली का प्लान हुआ है कि हम पिकनिक पर जाएंगे और कहाँ जाएंगे, मनोड़ा, और मनोड़ा भी जाएंगे तो बोट के ज़रिए जाएंगे। तो फिर चलिए क्या क्या होने वाला है हम देखते हैं। अचानक पिकनिक पे जाना था तो खाने का कोई प्लान नहीं था, अब खाना भी लेना था, तो मैं पहुंचा पाकिस्तान की सबसे फेमस बिरयानी अल रहमान बिरयानी और जल्दी से मुझे मेरा ऑर्डर मिल गया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट जफर इकबाल और उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो को आप पूरा देखें, एंड तक देखें, एंड में आपके लिए एक गिफ्ट रखा गया है। तो क्या आप भी महंगाई से परेशान हैं और घर बैठे बगैर इन्वेस्टमेंट के पैसा कमाना चाहते हैं? तो अभी फोन उठाएं, इस नंबर पे व्हाट्सएप करें 0332-3826-897, ऑनलाइन काम करें और पैसा कमाएं। तो गाइज मैं अपनी फैमिली के हमरा केमाड़ी के बोट स्टैंड पहुंच चुका हूं और बच्चा पार्टी इस वक्त बहुत ही खुशगवार मूड में है और खास तौर पे हमारा एक क्यूट सा छोटा कमांडो, ये तो कुछ ज्यादा ही मूड में है। अगर आपके पास भी कोई ऐसा बच्चा है जो ऐसे भोंपू बजाता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में उसका नाम जरूर मेंशन कीजिएगा। तो नाजरीन ये है बड़ा प्यारा सा केमाड़ी का बोट स्टैंड, यहाँ पर बहुत सारी बोट्स होती हैं और अब हम यहीं से ही मनोड़ा की साइड जाएंगे बोट से सवार होकर। तो ये मेरे प्यारे साले साहब मेरी फैमिली को बोट पर लोड कर रहे हैं और सब लोग एक एक करके बोट में दाखिल हो रहे हैं। गाइज आप लोग कभी मनोड़ा आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा प्लीज। ये मेरी प्यारी अम्मी जान है, ये हमेशा इसी तरह ही मुस्कुराती रहती हैं और मेरी दुआ है कि ये हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहे क्योंकि ये मुस्कुराते हुए बहुत अच्छी लगती हैं। चूँकि आज जश्न आज़ादी का दिन है, माशाल्लाह आज हमारा प्यारा पाकिस्तान 76 बरस का हो गया है, तो आपको जगह जगह पर ये प्यारे हमारे परचम नज़र आएंगे और हमारे परचम कितने खूबसूरत लगते हैं इन प्यारी सी छोटी छोटी बड़ी बड़ी बोट्स में। और ये मैं हूँ नाजरीन, थोड़ा बहुत तो मेरा भी चिल करना बनता है। अरे 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 ये हमारा छोटा कमांडो फिर आ गया, ये मेरा प्यारा सा भतीजा है। बोट में बैठकर अगर आपने सेल्फी नहीं ली तो आपने कुछ नहीं किया, बस यही कर रहे हैं हमारे प्यारे साले साहब। हमारी बोट पानी की लहरों को चीरते हुए अपने किनारे की जानिब रवा दवा है। One day I'll be
यहाँ पर हमें बड़े बड़े शिप्स देखने को मिले और एक अलग ही मंजर था इस समंदर का। गाइज आप ये वेदर देख रहे हैं, हमें हल्की सी बारिश भी मिली। ये मेरा छोटा कमांडो फिर से आ गया। मैं इसकी वीडियो इसलिए ज्यादा बना रहा हूँ क्योंकि यही मेरे व्लॉग रिपीट देखता रहता है। कितना हसीन लग रहा है, अभी बहुत सारे ऐसे हसीन नज़ारे आपको नजर आएंगे। फाइनली ये सामने जो है ये किनारा है और बस अब जल्दी से हमारी बोट यहाँ पर लगेगी और इसके बाद हम लोग मनोड़ा एंटर हो जाएंगे। तो नाज़िन मनोड़ा का हम जो पहला गेट क्रॉस करते हैं उसके बाद ये आप जो देख रहे हैं ये बड़ी प्यारी चीज़ें होती हैं जो कि सीपीओ से बनी हुई होती है और ये बहुत ही दिलकश होती है और रीज़नेबल प्राइस में यहाँ मिलती है। बस हमने एक छोटी सी सुजुकी कराई, अपनी फैमिली को लोड किया और अपनी मंजिल के जानिब बीच की जानिब रवाना है। तो ये रस्तों के कुछ शॉट हैं, बहुत ही खूबसूरत हो गए हैं ये रस्ते यहाँ के। मैं काफ़ी पहले आया था जब इतना अच्छा नहीं बना था, मगर आज मनोड़ा का लुक ही चेंज कर दिया है माशाल्लाह। नाज़िन पानी 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 नज़र आ गया देखें। लीजिए नाजरीन मनोड़ा का प्यारा सा गेट जो फाइनली मनोड़ा बीच का गेट है। तो गाइज फाइनली हम मनोड़ा बीच का जो गेट है उससे अंदर एंटर हो गए हैं और बहुत ही प्यारी यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है। आप देख सकते हैं फैमिली यहाँ बीच में भी बैठती है चादर लगाकर और ये छोटे छोटे हट्स दिए हैं, यहाँ पे भी लोग बैठक लगाते हैं। तो लीजिए बच्चों ने हमारे इस पर हमला कर दिया और ये खाएंगे, इनको मना करेंगे तभी भी खाएंगे। चूँकि हट के मुनासिब से चार्जेस होते हैं तो हमने अपने साले साहब और भैया को ये टास्क दिया है कि वो जाकर जल्दी से हट बुक कराएं। नाजिन फाइनली ये हट जो आप देख रहे हैं उसमें से एक हट हमारा हो चुका है और अब यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना रश कम हो रहा है क्योंकि हम लोग जिस वक्त आए ये समझे मगरिब से कुछ ही देर कबल हम यहाँ पहुँचे और अभी मैं आपको जगह हट भी दिखाता हूँ कैसा है कैसा नहीं। ये मेरा प्यारा भाई है जो सबको बुला रहा है, मेरी फैमिली वहाँ से आ रही है। तो ये देखें छोटा सा हट हम लोगों ने लिया है कुछ ही देर के लिए लिया है, मगर मैं मुझे बाहर बैठना मुनासिब नहीं लगा तो मैंने कहा कि भाई हट लो। और देखें ये इसका व्यू है हट का, देखें छोटा सा क्यूट सा बना हुआ है। बेटा यहाँ से फिर से करो यही चीज़ शाबाश। तो
वैसे आप पीछे मेरी स्क्रीन में देखें तो बहुत इस वक्त रश है, क्राउड आपको काफ़ी नज़र आएगा, और जस्ट मेरी फैमिली भी अभी आ रही है। Myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. तो गाइस अभी मैं स्टेयर्स से जो है वो नीचे की तरफ जा रहा हूँ, जहाँ पर ये देखें पानी के साइड बेसिकली मैं जा रहा हूँ, और बड़ा देख के मुझे उतरना होगा भाई, क्योंकि मेरा कैमरा ना जाए इसमें। और बस अब मैं कुछ ही देर में पहुंचने वाला हूं, बल्कि पहुंच गया। रेत मेरे पैरों में आ रही है और बहुत अच्छा फील कर रहा हूं मैं इस वक्त। सबसे बड़ी बात बताऊं, आज का वेदर जो है ना वो अरबों रुपए का वेदर है आज का। खाली वेदर चेक करें आप, और ऐसे वेदर में आपको फैमिली के साथ पिकनिक करना मिल जाए तो क्या ही बात है। और अभी जब हम रास्ते में आए थे तो लाइट बारिश भी हो रही थी, ओह माय गॉड, बता नहीं सकता मैं आपको। तो गाइस अब मैं नीचे हूँ और ये मैं आपको एक व्यू दिखा रहा हूँ, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये मनोरा बीच को चेंज कर दिया यहाँ की गवर्नमेंट ने, और बहुत अच्छा कर दिया है। बस अब उम्मीद करता हूँ कि यहाँ के लोग भी इसका ख्याल रखें, क्योंकि गवर्नमेंट हमें अच्छी चीज़ बना के देती है तो हमारा फर्ज भी बनता है कि हम उसकी केयर करें, ना कि सब कुछ गवर्नमेंट पर छोड़ कर और गवर्नमेंट को बुरा भला कहें। तो गाइस ये मेरे बाबा जान हैं जो मेरे क्यूट से भतीजे को लेकर इंजॉय करवा रहे हैं, और ये मेरा बेटा भी आ गया है, साथ मेरे साले का बेटा भी है, और देखें कितना एंजॉय कर रहे हैं और कितना यानी कि सुकून है, मैं बता नहीं सकता। और ये देखें पापा, पापा मेरा भाई भी गया मेरे पापा के पास, और अब सब आ रहे हैं यहाँ। मोहम्मद उमर, ये मेरी फैमिली है जो एंजॉय कर रही है, और मेरी विश है कि मेरी फैमिली हमेशा इसी तरह खुश रहे और खूब घूमते रहें। अभी वैसे बहुत बड़ी थी, मगर इसमें कुछ लोग इनकम्प्लीट है, उसे भी हम मिस कर रहे हैं, मगर अचानक प्रोग्राम बना तो फिर जाना पड़ा, क्योंकि फिर वेट करते तो वैसे ही ऑलरेडी लेट थे और ज़्यादा लेट हो जाते। ये फिर हमारी बच्चा पार्टी आ गई है, और अपनी शरारतों में मसरूफ है, और अच्छा है भाई करने दो, ताकि यहाँ से जब घर जाएंगे तो थक हार के सो जाएंगे। ये मेरी चीनी गुड्डी है, मेरी सबसे छोटी क्यूट बेटी, और ये हमेशा इसी तरह ही बोलती है चाइनीज। इनको तो देखो, बस इनको प्यार करवा लो। Life lessons.
is the one in the dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in the dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in the dozen. तो गाइज ये था मेरा आज का व्लॉग, सबने खूब इंजॉय किया और आपने देखा। बुट्टे गरम बुट्टे, बच्चों ने इस पे हमला कर दिया, मैं क्या कर सकता हूँ। तो नाजिन अब घर के लिए वापसी हो रही है और ये रात के कुछ मनाजिर हैं समंदर के। मुझे रात में समंदर से बहुत डर लगता है। तो नाजिन एंड का जो गिफ्ट था वो ये था, ये बेहतरीन रिंग्स। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, JBI का चैनल सब्सक्राइब करें और उनकी शॉप पर जाकर इस शॉर्ट को दिखाएं और हासिल करें ये फ्री रिंग पूरे एक साल तक। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। जब पसंद आई है तो लाइक और शेयर तो लाजमी बनता है। मुझे बस आपके सपोर्ट की जरूरत रहेगी। मैं आपके लिए इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूंगा। और आप भी मजीद किसी अच्छे टॉपिक पर देखना चाहते हैं तो मुझसे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर कर सकते हैं। तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। आपसे तो अब मुलाकात होती रहेगी, फिर मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।